Good morning, children. Welcome to your English class. Today we will read Chapter 6, A Good Citizen. But first of all, we learn difficult words. तो बच्चों आइए सबसे पहले difficult words पढ़ते हैं. Citizen means नागरिक, tourist means पर्यटक, fountain means फव्वारा, bouquet means गुलदस्ता, pluck means पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, tripped ठोकर खाकर गिरा, further और आगे, suffering कष्ट, responsible जिम्मेदार. आइए बच्चों अब हम लोग लेसन रीड करते हैं. लेसन 6, गुड सिटीजन. गुड मींस होता है अच्छा और सिटीजन मींस नागरिक. अ गुड सिटीजन मींस एक अच्छा नागरिक. रचनास अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर. रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे. रचना एंड हर पेरेंट्स, पेरेंट्स मींस माता पिता, had gone to Mysore to spend their vacation. Vacation means होता है छुट्टियाँ. With them, रचना और उसके माता पिता उनके साथ छुट्टियाँ व्यतीत करने मैसूर गए थे. They were all excited. Excited means होता है बच्चों उत्साहित. As they were going to visit, visits means देखना, the Vrindavan Garden. वे सभी उत्साहित थे क्योंकि वे वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे. ऑन द वे, वे मींस रास्ता. हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर. 2 मिलियन मींस होता है बच्चों 20 लाख. रास्ते में उसकी चाची ने बताया कि लगभग 20 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष वृंदावन गार्डन देखने आते हैं. रचना सेड, आंट्स इट्स गोइंग टू बी फन. रचना ने कहा चाची यह तो मजेदार होने जा रहा है. एज दे एंटर्ड द गार्डन, रचना एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मतलब उत्साह से बोलना या चिल्लाना. वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर देयर. दीस फाउंटेन्स मींस फव्वारा. जैसे ही उन्होंने बगीचे में प्रवेश किया रचना आश्चर्य से चिल्लाई, वाह कितने सुंदर फूल और झरने हैं ये. आई मस्ट मेक अ बुके. बुके मींस गुलदस्ता. फॉर माई सेल्फ. माई सेल्फ मींस अपने लिए. मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता जरूर बनाना चाहिए. द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक. प्लक मींस तोड़ना. वन ऑफ द फ्लावर्स. जैसे ही उसने उनमें से एक फूल तोड़ना चाहा, हर आंट स्टॉप्ड हर. स्टॉप मींस रोक दिया. एंड सेड, उसकी चाची ने उसको रोक दिया और कहा, डोंट डू दैट. ये मत करो. वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स. हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए. After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. Snacks means होता है बच्चों हल्का फुल्का नाश्ता, जो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया हम लोग करते हैं उसको स्नैक्स बोलते हैं. पूरे बाग का चक्कर लगाने के बाद वे कुछ हल्का नाश्ता खाने के लिए बैठ गए. Aunt had brought popcorn, samosas, sandwiches and fruits for everyone. चाची सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थी. रचना finished her snacks and threw means फेंक दिया her plate and glass under the bench. bench means जिस सीट पर वो बैठी थी उसको bench बोलते. रचना ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिया. हर आंट पोलाइटली. पोलाइटली मींस बहुत विनम्रता से, प्यार से. आस्क्ड हर, उसकी चाची ने बहुत ही विनम्रता से उससे पूछा, डू यू थ्रो.
the waste is under your study table or sofa at home too? क्या तुम घर पे भी अपनी बेकार की चीजों को अपने पढ़ने की मेज और सोफे के नीचे फेंक देती हो? रचना, it is our duty, duty means कर्तव्य, to keep our surroundings, surroundings means अपने आसपास की, अपने चारों तरफ की जगह, public places, सार्वजनिक स्थान, like road, parks, schools, hospitals, etc. clean. रचना, अपने आसपास की जगह, सार्वजनिक जगह जैसे रोड, बगीचे, स्कूल, अस्पताल आदि को साफ रखना हमारा कर्तव्य है. We should treat the whole country means पूरे देश, just like our home. हमें पूरे देश को अपना घर ही मानना चाहिए. रचना, quickly means बहुत जल्दी से, understood समझ गई, and collected means एकत्रित किया या इकट्ठा किया, the wastes and threw them in a dustbin. Dustbin means कूड़ेदान. रचना बहुत ही जल्दी समझ गई और सारी बेकार की चीजों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया. After having the snacks, they moved towards the musical fountains. नाश्ता करने के बाद वे संगीत में फव्वारे की तरफ गए. Where they enjoyed the light means प्रकाश and sound means आवाज या संगीत शो. वहां पर उन्होंने प्रकाश और ध्वनि का शो देखा. When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खाके लड़खड़ाया और गिर गया. Her aunt ran and helped the old man. उसकी चाची दौड़ी और बूढ़े व्यक्ति की मदद की. While means जबकि, the others were still thinking what could be done. जबकि दूसरे अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए. The old man thanked her for her act of kindness. Act means होता है कार्य, kindness means दयालु, दयालुता. The old man, बूढ़े व्यक्ति ने उनके दयालुता के कार्य के लिए धन्यवाद दिया. आगे देखिए. On her way back, रचना asked her aunt. वापस आते समय रास्ते में रचना ने अपनी चाची से पूछा, Did you know the old man? क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती थी? Whom you helped? जिसकी आपने सहायता की? Her aunt replied. Replied means उत्तर देना. उसकी चाची ने उत्तर दिया, No रचना, नहीं रचना. I did not. मैं नहीं जानती. But I helped him because he was in trouble. लेकिन मैंने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि वह मुसीबत में था. We must always help people who are in trouble. हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि परेशानी में या मुसीबत में हो. We should take care of the people around us. हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए. Just like We take care of the members. Members means सदस्य of our family. जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं. In this way, इस प्रकार, we can become good and responsible citizens. इस प्रकार हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं. बच्चों, इस लेसन को आप लोग अच्छे से रीड करना और इसका अर्थ समझना. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगी. तब तक के लिए टेक केयर.